السلام عليكم جولي جلجت بلتستان جولي نيرغاشا باكستان جولي كارغيل لداخ جولي تبت مي دومش اسنا بكان سرما سنزون ايران غامل جون سلام يو اغوانا تبت بلتستان تي في ايران يمبي جو اغوانا دريم بلتستان ريزورت ان يو ديرغاشا سبزار بين يو ايران جمان دس مخاطب جو اغوانا تبت بلتستان تي في درل بو يوي بين يو مش غان كون ناتي دوغلان كون ناتي غشاس كات بو ngati gonches na ngati zaches na ngati gasha chim gun ngada si do bi strun lug bin gwa na ngada si iran ji mala ta fai ju tibet baltistan tv ngati channel ko menta khu yase ju gwa na ten thon lo da na malpa na mi na ju ngadang gama diga baltistan ne tal lo da na tibeti ju tariban 98% ngati awas ten thon lo da na ring ro mesher gan kun tibeti na se li sharbai ju gwa na ayra jab sa phri bi apose di shakhs ju ra jab ali advocate sa president ju tibet baltistan arts council dona tibet tv khri bi apone sa ju gwa na aj charm ju gwa na ngadan ni mbo dirin facebook ron pa ji ju baltistan ne zori no muri bi apone ni mbo na tis tremo ju gwa na hamari bahut achhi behan gwa na muri bi apo o phen ju tibet na en ju tibet la sa na ngadan se khla khla ngoi men ta ngadan ko se dire yo to tibet di sadar maqam bol ju la sa ji bin gwa na tibet di na muri bi apo shakhs kya khana ngadan ngati ko se mashur pa ju muri bi apo chal chal ben ga yo ga du se jere chal khoda ne pa ju pagal so se gwa na dirin ngala muri bi apo thop se ju kar de nu gwa na stream men ta khoin ju nurzin नूरजीन मोरी पिया को स्कागे नु खबो हम जो पाकिस्तानी सवाल लो से जो अस्सलाम वालेकुम जुले 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 ये पिया को ठीक ठाक गिर जो ठीक ठाक ये जो सामीन है सुनने वाले तिब्बत टीवी के उनको आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोग हैं ना, तो हम भी बल्ती है तिब्बत है लेकिन हमारे बुजुर्ग एक ही है ना, तो अभी आप फिर भी अपनी जुबान को इतनी अच्छी तरह हिफाजत की है तो मुझे बहुत खुशी हुई हो। तो आप दोनों से मिलने का भी बहुत खुशी हो। बहुत बहुत शुक्रिया नूरजीन बाजी। स्टीमो हमारी जबान में बहन। हाँ, मुझे पता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी आपको लासा ना जो शाफी तिब्बत न शाफी गुआना। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, चूंकि हमारी जबान में अब काफी चेंजिंग आ चुका है तिब्बत और बल्तिस्तान की जबान में, तो अभी इस वक्त आप पाकिस्तान में किस सिलसिले में तशरीफ लाई है, कोई पढ़ने के लिए आई है, या आपका पाकिस्तान आने का मकसद क्या है? मेरे पाकिस्तान आने का मकसद पढ़ना है। हाँ, मैस्टर डिग्री के लिए आई है। पढ़ना है, लिखना है, यही। हाँ, यही मकसद है। तो फिर अभी मौसम गर्मा की छुट्टी है ना, तो फिर मैं इस कारतू सफर के लिए, तो आप लोगों को मिलने के लिए आई हूँ। तो बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शहजे का मतलब ये है हमारे जबान में। तो अभी आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो आपको कैसा लगा? आपके तिब्बत और बल्तिस्तान के हवाले से कोई आपको एक जैसा लगा माहौल, अपना घर जैसा लगा, क्या लगा आपको? माहौल में थोड़ा फर्क है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जुबान है ना, बहुत 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 ज्यादा मिलता जुलता है। तो हमारे खाने है ना, खाने में भी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। हाँ, सेम है, लेकिन बस यही नाम गलत है। तो लेकिन खाने का इस दो इसको मटेरियल है ना, ये तो एक ही है। मटेरियल एक है। और है तो बिल्कुल बिल्कुल जगह है ना, तो बाहर ही बाहर में हमारे गांव आबाई शहर भी वहाँ ऐसा है, तो बहुत ज्यादा चीजें सेम है एक्चुअली। हाँ, जो सर बहुत शुक्रिया। तो रजब साहब, ये भी आपको से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमाल लजून सलाम जो तिब्बत बल्तिस्तान बी टी वी नाजमा दी खदमत इन हाजिर सोसियत गुआना रहा ये अली काजिम गोल्डन भी आपको भी दिखा शेस्पा ड्रोन पर चिक गुआना चल चल खास दई जस प्रोग्राम रियासी का चल चल बेसे फियो सिखियो फिंदरस गुआना दी वकल्ला रंगम वो फेसबुक रोस्तरी
انګر سبجی سنگ عدالت تنګ جو لایو پیان جو لایو انګر سبجی سنگ عدالت تنګ روان تنګ خان جمال الله جون سلام زره جو غوانا جو سلام می خان ګامل جی ظلم پوسل زو سره جو دون یم بو یدان سنگ یم بو تین شو جو دیکا پر تا چې عدالت تنګ تو غوانا ر ای ګامو ای یو قدا زچس پو ویخه انسان انسان تو زونه زچس پر اون زت او من غدا سکور ای زچس پو ویخه ځوان زچس چې چون چی زین چی زین اچھا یم بو یم بو غدا سی زچس کون چی چین در زبو زچس کون من تخ کون چی در زربو زت मारजान मारजान हां मुझे बताएं मारजान चीले जरा था ना किसे बोलते हैं किस तरह बनते हैं मारजान मारजान आ लोग मारजान कहता है ना हमारे कुरा कहता है कुरा कहते हैं हां पाउडर है ना पाउडर है तो इसको फ्राई करते हैं ऑयल में ये है ना नहीं 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 वो जो जौ नहीं है नस कहते हैं ना उसको जौ नस 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 मुझे जो पीस के उसके आटे के साथ एक वो खाना बनते हैं उसको हम जान बोलते हैं जान जान के साथ आप जो मार डालते हैं ना मार 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 डाल के फिर वो खाते हैं मार जान बोलते हैं उसको मार जान अच्छा तो मैं तो मैंने गलत समझा वो मार जान है आपके पास वहाँ पे एक मिनट वहाँ है कुछ लेकिन हर जगह नहीं है कुछ गाँव में अभी भी मारजान कहता है अच्छा। मारजान नहीं कहता हम दे मारजान मारसेन मारसेन कहता है हम हाँ है इसके अलावा रपू रपू प्रभु जैसा एक बनते हैं वो भी उसी जो के उससे बनते हैं रपू ये नहीं होगा अच्छा एक ये कि मुझे पता है वे तो आप लोग चाफे कहता है ना हाँ हाँ चाफे 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 हाँ नेस से बना हुआ है ना तो हम इसको तंबा कहता है अच्छा फिर नाश्ता है ना नाश्ता तो यही ही है इसमें है इसमें छा छा है लेकिन भयू चल है हमारा तो भयू चा या छा नरमू नरमू चा कहते हैं ना इसमें भयू चा में मार है ना मार डालते हैं नाश्ता नाश्ता जो सुबह का नाश्ता है उसको आप लोग हम तो यहाँ पे नाश्ता के लिए बोलते हैं कि खबर बोलते हैं ना खबर ये गलत है शौक से शौक का मतलब है सुबह अच्छा सुबह है ना शौकबा कहता है ना जोखा बोलते हैं हम शौकबा कहता है ना अच्छा से का मतलब है खाना जैसे खाना खाओ समा से सो 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 कहता है ना हम लोग सो सो मतलब आप लोग वहाँ पे जो है वो चफे जो है जो आप लोगों ने कहा चफे को सुबह सवेरे नमकीन चाय में मक्खन डाल के उसी के साथ इस्तेमाल कर मतलब चफे गोपा ने चफे फ्यू सना चफे ताजना नमकीन चो बीनू ताजना इसको चफे से बना हुआ ये है ना इसको पा कहता है पा से गुलक अच्छा फिर हम आते हैं जनाब कुछ नाम के ऊपर ना जो हमारे ज़राअत से वाबस्ता है वो सामने नजर आ रहे चुली चुली के बारे में नहीं होगा किसी ने पूछा होना चीनी है अच्छा इसके बाद दूध को हम बोलते हैं उसे दुआ नहीं है ना दूध दुआ दूध 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 खाने के वो दरख्त है दूध अच्छा दूध चांगमा कहता है ने चांगमा दरख्त है ना जो उसका फल नहीं होता है ना उसको चांगमा बोलते हैं हमारे लिए बस एक ही सेम है अच्छा वो सामने लंबा दरख्त नहीं है उसको हम बेरफा बोलते इस हमारे वहाँ है ना चांगमा टोक टोक सबको कहता है सबको चांगमा बोलते हैं उसका कोई अलग नाम नहीं है कोई ना अलग नाम है नहीं है अच्छा तो ये हो गया जी अच्छा ट्रो 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 जो गंदुम गंदुम हाँ गंदुम जो बोलते हैं ना ट्रो बोलते हैं उसको हमारे ट्रो 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 कहते हैं ट्रो कहते हैं ठीक हो गया अलग दूसरा जव को नस हो गया जव को नस 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 यही है सेम है सेम है अच्छा इसके नस से चाफी चाफी बनाते हैं ना नस से फिर हमारे तिब्बत में सॉरी छांग है सॉरी आप लोग मैं जानती हूँ कि इतना शराब नहीं पीते लेकिन तिब्बत में छांग है अच्छा छांग है ना छांग शराब को छांग बोलते हैं हम भी बोलते हैं हाँ छांग है छांग तो हमारे यो बीर से गलत है अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है बस बीता है बचपन से चलो ये छंगकेल छंगकेल किसको बोलते हैं छंगकेल को तो शराब पीन बहुत ज्यादा पीने वाले उनको छंगकेल बोलता हाँ यही है ये ऐसे ऐसे तो ये हो गया जनाब चलो अच्छा इसके अलावा बाजरा बाजरे को छा बोलते हैं
बाजरा क्या है? बाजरा वो छोटे छोटे दाने नहीं होते, वो बाजरा है। छक कहते हम, छक कहता है, छक छक छा छक जो हम गाय को नहीं देते चारा। अच्छा अच्छा बोलता है तो आमतौर पर यही है ना, तो हॉर्स ना, हॉर्स को क्या कहते हैं? हॉर्स ना ता अर्ता उसको खाना है ना, उसको छक कहता है, छक कहता है। उसको देना है वो छक है, छक है। अब हमारे जो जानवरों के नाम हम देखते हैं, जानवर जानवरों के लपट सुनो, लपट चन 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 सुनो लपट जो पहाड़ों में होते हैं ना, चीता 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 जंगी चीता जो पहाड़ों में नहीं होता, वो जंगली जानवर, जंगली जानवर है। उसको हम चन बोलते हैं, अंग्रेजी नाम क्या है? सॉरी, सुनो लपट, सुनो लपट सिख कहता है, हम सिख कहते हैं, लपट है ना, सिख कहता है। अच्छा, मारखोर मारखोर रिदख 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 को जंगली जंगली जानवर को रिदख है, तो वो इसका एक पूरा नाम है ना, रिदख कहता है। स्किन किन सकता, किन किन क्या है? स्किन वही रिदख का, वो दूसरा है भाई है वो। मतलब नहीं, ठीक है वो हो गया। अच्छा, कुत्ते को हम खी बोलते हैं, खी खी है, सेम है, खी है, खी है। अच्छा, बिल्ली को हम बोलते हैं बिला, हम शिमी 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 जो हमारा शिमी, हम जो मारे हुए मुर्दे को नहीं है, मुर्दा जो मर जाते हैं ना, उसको शिमी बोलते हैं हम। शी है, ये शी और ये शी है ना, तो दो शिमी मर्दे मर्द है ना, मरने वाले लोग को शी कहता है, मरना शी है ना, खुशी है, खुशी शी, हाँ शी है ना, तो बिल्ली को हम शाह शिमी शिमी, इसमें दोरा थोड़ा जरा फर्क है ना, दो एफ बेड है। ठीक हो गया, ये बिल्ली हो गया, बिल्ली को आप लोग शिमी बोलते हैं, हम बिला बोलते हैं। असल में होगा शिमी ही होगा, क्योंकि बिला कबूल बिला उर्दू लफ्ज़ फारसी लफ्ज़ नहीं थी, आपसे बिला सो भेजू अगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इंसानी आजाद के ऊपर आते हैं, इसको हम शर्मो बोलते हैं, लिखने में इस एक वहाँ एक आखिर में एक सा है, तो यही वजह से होगा। अच्छा, ये राल है ना, ये राल पु, 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 आप लोग से पु होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जैसा सेम है, सेम तो ये हम इसको राल बोलते हैं। इसको बाल बाल को क्या बोलते हैं? आप लोग सचा सचा होगा, इस पर एक सा है, हेयर 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 को सचा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नमसुल नमसुर को ना है, बस ना नखु या ना मिक मिक मिक। अच्छा, खबक खबक खा है, मुकम्मल मूंग को खबक बोलते हैं, मूंग को छोटे कहते हैं, इसको खा है ना, इसको ये है जे सो 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 ये पीना है हमारे लिए, ये पीना है। ये पाव को कंगमा 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 आप कंगमा, हाँ हम कंगमा बोलते हैं, कंगमा है। तो काफी सेम है, काफी सेम है हवाले से तो। अच्छा, इसके अलावा जो हम पैसे को बोलते हैं, हम लोग पेने कहता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, पैसे को ये हो गया। अच्छा जनाब, इसके बाद ये मुख्तलिफ हमारे जो पुराने जो जमाने में जो औजार का बर्तन इस्तेमाल होते हैं खाने पीने के, उनके कुछ नाम हम आपको करते हैं, ताकि वो सेम है या नहीं है। एक तो ये जो फिगर है ना, चिकनी सुन, ये सेम है आपका, किस तरह है? चिकनी सुन शी ना चुप दिन के गु चु चुप चिक चुनी चुप सुन चिप शी चुंगा। थाउजेंड को क्या बोलते हैं? टोंग स्टोंग स्टोंग इस बार क्या है? वो हमारे में वो नहीं है, ऐसा है चिक चू है ना, जा है सो को जा, टोंग है फिर छी है,
चिक या बार है, बुम कहता है ये दिलबस है। ये बोला अभी बोला, इस 15 तक बोला ना, 15 तक 21 को चुक चिक है ना, चुक चिक चुंगी चुनी चुक सुम ची सी चोंग चुत तशी जंग हा हा ऐसे में है ना, हमारे उसमें सहा सत्रुक सब्दुन निशनी सत्ते सत्ते निशनी सम हम कहते हैं निशु तानी निशु सक्निस या निशनी ये भी ऐसा भी कहता है। तो काफी सेम है हमारे जो जबान है, क्योंकि ये हुआ कि तिब्बत के बाद आप उसमें चाइनीज जबान ज्यादा वो मिक्स हुआ है, तिब्बती जबान बोलने में हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा चाइनीज जबान, चाइनीज जबान जैसे आप लोग और ब्रिटिश के उर्दू फारसी आप लोग का बोलते हैं बस जी नहीं। तो रजब साहब और कोई जरिए भी आप नहीं हो तो ये है कि ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके जो जबान है उसके वहाँ पे तरवीज के लिए तिब्बत में क्या सिस्टम है, स्कूलों में स्कूल में तिब्बती है, तिब्बती सीखना है, सीखने की जरूरत है, निसाबी किताबें भी है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में इसका डिग्री भी बहुत चलता है, तिब्बती उस्ताद ये भी एक है मेजर, या तिब्बती तारीख है तिब्बत या तिब्बती लिटरेचर है ना, लिटरेचर ये भी है, अदब है, तिब्बती अदब सब कुछ है वहाँ, क्योंकि ज्यादा है तिब्बत लासा है ना, लासा के शहर में तिब्बत की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तिब्बत यूनिवर्सिटी कहते हैं वहाँ, आम वे तिब्बती में ही है। ठीक, तो तिब्बत वाले तिब्बत के जो तारीखदान हैं, तिब्बत के जो तारीखी किताबें हैं उनमें बल्तिस्तान का इस इलाके का कोई जिक्र मिलता है? मैं सच्ची बात बताऊं, असल में मेरे इतनी ज्यादा तारीखी किताबें नहीं पढ़ ली, हाँ, लेकिन मेरे दोस्त है ना, मेरे दोस्त या मेरे घर मेरे छोटा भाई थी वो उसकी मेजर तिब्बती है, तारीख तिब्बत है, मैंने उसने पूछा है ना, तो कुछ न कुछ हमारी तो क्रीट आदमी है ना, उनके तारीख है ना इस या उसकी कहानी या दास्तान में कुछ न कुछ मिल सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिल सकता इतना ज्यादा नहीं मिल रहा। हाँ यही है। तो एक और है ना, तो तारीखी है ना, तारीखी किताब में तो तिब्बत मुद्रा मुश्किल है, तो आम लोगों के ख्याल में इतना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो आम लोगों को शायद नहीं तो ज्यादा नहीं जानता, यही मसला है जैसे मैं ठीक है। तो ये उर्दू आपने कहाँ से सीखा है? उर्दू बीजिंग में सीखा है, बीजिंग में तो चीन गए तकरीबन 6 यूनिवर्सिटी में उर्दू की डिग्री मिल सकता है। अच्छा। बैचलर की तो मैस्टर डिग्री के लिए बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ उर्दू की मैस्टर की डिग्री मिली है। ठीक, हमारे यहाँ पे लोग दास्ताने हैं, लोग कहानियाँ हैं, लोग गीत है, तो इस तरह लाजमी बात है आपके तिब्बत में भी लोक गीत होगा, लोक दास्तानें होंगी, तो हमारे एक लोक दास्तान बहुत मशहूर है केसर वहाँ भी बहुत मशहूर है। अच्छा, आम तो बोल चाल में है ना, तो जुबानी कहानी है ना, कहानी है सीना बसीना जो इसमें सबसे पहले है ना, तो किताब नहीं है तो बोलने में है ना, लोग बोलते हैं तो ये उसकी दास्तान या कहानी गाते हैं, तो फिर अभी तिब्बत में बहुत ज्यादा केसर की दास्ताने के बारे की किताब बहुत ज्यादा है, जाता है। ठीक, तो केसर हमारे लोग कहते हैं कि वो एक खला था, खला पता है? हाँ, किसे कहते हैं आप लोग? आपको जैसा कि बुधा या गॉड को देवी, हाँ देवी देवा, हाँ देवा को हम ठीक ठीक खुला कहते हैं, तो उसने बहुत सारे इलाकों को फतह किया किसी जमाने में, खुला ने हमारे तो यही है जो मलाई कहानी है, तो यहाँ से चीन तक उसने फतह किया था। हाँ है तो आप लोगों का भी वही सेम है कहानी? हाँ कहानी सेम है, इसमें और लिखा कि वो ईरान तक फतह किया है, कैसे कहते हैं हम ईरान को उस वक्त तक्षक कहता है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ तो केसर के बारे में सब लोगों को जानता है, हमारा एक पहले जमाने में केसर की दास्तान है, यहाँ बहुत मशहूर है दुनिया के सबसे बड़ी लंबी दास्तानों में से एक है ये तिब्बत की कहानी, तिब्बत हाँ। और लेकिन है ना, तो कुछ लोग माहिर है ना, तो कहता है कि ये शायद ये सच्ची में नहीं होगा,
या कुछ या कहता है कि वो सच्ची वो असल जिंदगी में है वो इससे पहले जमाने में जिंदा है, तो इसमें तो थोड़ा तो यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं बल्तिस्तान में, पहाड़ों कराकरम और इस तरफ कराकरम है हिमालया और इस तरफ हिमालया है, तो इसके बीच में स्कर्दू मौजूद है। तो तिब्बत में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं? हिमालयन हिमालय है टोटल। हाँ टोटल हिमालय है, तो आप कराकरम तो शिनजियांग के पास है। हाँ 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 जी। और तिब्बत का एक 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 शहर इसको अंगर कहता है, वो लद्दाख से बहुत करीब है, उसके बॉर्डर है ना, तो वो कराकरम से मिलता है, तो बाकी सब हिमालय है। एक है माउंट एवरेस्ट छोमोलांगमा नेपाल में जो है, एक एक हिस्सा चीन में है ना, एक हिस्सा नेपाल है ना, तो वही हिस्सा तो हमारे तिब्बत में ही है। मेरे आबाई शहर या तिब्बत की सबसे बड़ी दूसरा शहर उसको शिखर कहते हैं, वहाँ वाकई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, हाँ 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 हाँ। इसके अलावा कौन कौन से पीक है वहाँ पे तिब्बत में? पीक बहुत है, शीशा पांगमा। शीशा पांगमा पता नहीं वो कितने हजार फीट है, मुझे बता दे। पता बहुत मशहूर है। नहीं, सर्दी कैसा होते है तिब्बत में? सर्दी तिब्बत में सर्दी बहुत पड़ती है। सर्दी बहुत, सर्दी को क्या बोलते हैं बल्टी में आपकी? छांगमो। जख्मो। छांगमो। तो वो सीजन को क्या बोलते हैं? जख्मो और गुन। तो माइनस कितना तक रहता है वहाँ पे मैक्सिमम? तिब्बत में दक्षिण थोड़े मन को हल्ते तिब्बती इलाकों ने चीन इसका दी जोर जुटे फारसी फारसीज का पोसी गोपा ठीक बैसे नती बल्तीस का पोड़ू से जो उड़ू से उड़ू से उर्दू पहुंचे उर्दू ठीक अगवान अगवान नती जबान तो फिर भी जो अष्टा नहीं जो अगवान जैसे मान जैसे करता मन जो मोतपो जो नतीस का मोतपो जो खोन जैसे रस्म रिवाज कुंजू खो अवचित रस्म रिवाज कुंजू रजत सब भी आपको चिकदी का शाह लहमो जो कर अगवान जो हो चीज रजो बिल्कुल जो हाँ फलुक भाई ने जो चार अपनी खुआ हाँ सस के बल्टी मयू मन माइक को शान दस करता हूँ शर्मा का गामा लोग नुकतुक माइक पान तो मान जर बिता रहा गामा माइक को शान दस मुझे भी आपको करता हूँ मेरे फाउंड से अगवा नहीं रमेश गहन कौन तिब्बत आबादी सत्र जो तिब्बत काम से तो वहां देगा गवर्नमेंट सत्ता ये जो स्कैट को स्ट्रोनू से भरे खून गवर्नमेंट छता है जो बाकायदा तिब्बत यूनिवर्सिटी इतना जो देनो बाकायदा मेरी तो जाए एक मिनट सुना देगा मकसद का कुड़ू सा और बाकायदा डिग्री गवर्नमेंट से टोटल नंग फामी सब लोग
सब मैं लो जस नारे यहां चा जो हमें जो दोबारा खुश आमदी जो सॉरी माफ दीजिए वन थोड़ा सा आपके तिब्बत के हवाले से हम गपशप कर रहे थे तो सामीन जो हमारे सुनने वाले सामीन है वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी जबान के ऊपर बात करें और बल्कि जबान में बात करें। अच्छा तो आता किसे कहते हैं आपकी जबान आता 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 तो ये नहीं है आपको क्या किसको कहते हैं अबू को आपा कहता है आपा आपा या पापा या इज्जत से क्या तो पाला है। अच्छा लक्का अमो अम्मा अम्मा हाँ लक का मतलब तो इज्जत से हाँ किसी को बोलना या जैसे आप आपका नाम है ताशी होगा तो तशी लक कहते हैं। काका 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 हम चुचो या आजू कहता है। अच्छा भाई को चुचो भाई को है ना काका है ना चुचो बोलते हैं चुचो इधर वो कश्मीरी लोग बोलते हैं। अच्छा हमारे गांव में चुचो तो जो 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 ये गाय को कहता है जो जो है जो है क्या है मेरे घर में वो याक है याक है याक है जो दोमों का मतलब दोमों मादा को कहते हैं दोमो दोमो कहता है दोमो कहता है जी जी दोमो कहता है। अच्छा याक यागमो जो जो गर गर्मो गिर गिरमो ये सारा ये गिर क्या है गिर गिरमो ये सारा एक ही मासा खानदान के ये याक का या खानदान के लोग तो वो सारे इसी का है इसी का सिलसिला है तो ये याक है तिब्बत में यहाँ क्या है 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 अच्छा। पारू में बहुत ज्यादा है। ठीक तो वहाँ पे किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर गोश्त खाते हैं यहाँ का गोश्त बहुत महंगा है। अच्छा। मशहूर भी है सब पूरे चीन में तिब्बत में आना है तो यहाँ का गोश्त जरूर ट्राई अच्छा, करते हैं यहाँ खाते हैं लोग खाते हैं। ठीक और इसके अलावा हल चलाने के लिए भी खेतों पे अभी नहीं अभी ट्रैक्टर आया मशीन है अच्छा यक से ओमा है ना दुआ आप लोग दुआ करना ओमा कहता है ओमा है ओमा से मार है ना मार है मार के बाद एक चूरा कहता है इसको खाने को चूरा नहीं है चूरा चूरा कहते हैं चिम जी चूरा चूरा किस चीज को मार होने से पहले है ना। अच्छा दही को अच्छा यही होगा ये धर्मा हम दर्बा, दर्बा। इसको इसको हम छुरे वो छाटकल में यूं करके जी जी हम ऐसा करते हैं। अच्छा यूं वाला है वो छाटकल लिए वो छाटते हैं ना हमारे तांबा में डालते हैं वो। ठीक ठीक तो कुछ लड़कियों के अच्छे अच्छे नाम बताए आप हमारे यहाँ पे भी लोग वो नाम रख सके मेंदो है ना फूल है ना ये भी बल्टी भी मेंदो है जैसे पेमा मेंदोक पेमा मेंदोक यही एक लड़की का नाम लड़की का नाम मेंदोक जुलमा जुलमा का मतलब हम बुझ जमीना तारा है तारा जुलमा ये तारा है अंग्रेजी है तारा जुलमा है कर्मा लड़कों के नाम को कर्मा बहुत है कर्मा जैसी और हफ्ता है ना हफ्ता ऐसा है मंगदे तावा निमार हकपा अच्छा फुरपु पासंग पिंबा निमा निमा है ना ये तो ये सब हमारे नाम लड़कियों के नाम से लेते हैं लड़के लड़कियों दोनों लेते हैं। ठीक तो अभी आपने कर्मा का बोला ना कर्मा सितारे हो गया हाँ जी अच्छा जोत चांद चांद को दवा है ये दवा है अच्छा निमा हो गया निमा है निमा या करचन कार्चिन कार्चिन एक सितारे का नाम हां कार्चिन 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 कहता है ठीक हो जाएगा सितारे का नाम चीन है। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा लड़कों के कोई नाम क्या क्या है तशी ताशी ताशी तशी सोनम 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 किसे कहते हैं सोनम सोनम का मतलब आपका इसको बड़ी खुश किस्मत अच्छा, को कहता है सीरिंग है सीरिंग जिंदा रहो लॉन्ग सीरिंग वो तो यही है तो लड़की लड़के का नाम है सीरिंग सिंगी भी है सिंगी अभी ज्यादा नहीं है लेकिन इतना आम नहीं है सिंगे आपके जबान में सिंगे सिंग लायन लायन शेर शेर को कहता है हाँ बहुत ज्यादा है ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा आपके तिब्बत में जो गाने हैं ना गजल है
तो कोई खूबसूरत सा गजल जो बहुत मशहूर हो आपके तिब्बत का, जो जिसमें थोड़ा जो हम अभी यहाँ पे जो बल्ती बोलते हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसमें कोई मेंढक का जिक्र हो, फूल का जिक्र हो, ठीक है ना, उसका कोई आप दो बन अगर सुना सके तो। हमारी तो अब गजल कहना, गजल सच्ची में एक बहुत मशहूर है, ये इसको कहता है वो ऑथर है ना, राइटर का नाम सच्चा पंडित कुंगा चंदसेन कहता है, उसने बहुत बहुत उसका गजल आम तौर पर है तो हम लोगों को तालीम लेने की जरूरत है, ऐसे ऐसे करो, अब आदत अच्छी होना चाहिए, ऐसा ही है। एक मिनट मुझे सोचना की जरूरत है। बिल्कुल आप सोच के बहुत ऐसे से तिब्बती नहीं बोलना है ना, एक मिनट मेरी हया में ये नहीं आई है। मशहूर हो ना, मशहूर तो बहुत ज्यादा है, कोई लोकगीत याद है? लोकगीत बहुत ज्यादा है। वो किस तरह गाते हैं? अभी हमारे यहाँ पे लोकगीत इस तरह गाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुना गुलमार चो गोमला शरबा नाचू दम से गुलो माला चरविका शरबा नाचू दम से, हम इस तरह बोलते लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपकी ये कहना है ना, तो हमारी बाहरों में लोग पुराना है ना वो बड़े वाले ऐसे कहते हैं, लेकिन हमारी नौजवान इतना नहीं जानते। मैं मेरी बात मैंने एक 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 जुमला आपको गा सकती हूँ। तोरी ओ सोला ऐसा है, मुझे ज्यादा नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन आमतौर पर तिब्बत में बुद्ध मत के बारे बहुत ज्यादा है। देख जैसे एक है आपको जानते हैं ना, इसको मैं एक आपको सुनाऊंगी। आप सुनाओ सुनाओ, वो हमें कोई पता नहीं, बस हम सिर्फ सुर को सुनते हैं। बांगा शीन चावाते बंगला निमा चंद्रे, एक और तो आम एक गाना ठीक है, तो वो उसकी लिरिक्स है ना, तो वो भी हमारे लोकगीत से आते हैं। एक मिनट मुझे चे चांग लानी जंग से निंग कु सो या ला तिंग चो ला ला ये ला पुये से का लानी नाम वा सा ला ते ये ने ये पा सांग सोंग सांग ला सोंग। जुले जुले तिब्बत जुले तिब्बत अजुले तिब्बत। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, बहुत जबरदस्त गाती है, वाह क्या बात है। तो मुझे लगता है आपने गायकी भी सीखा है कहीं से? नहीं नहीं, मेरी बात से आई। तिब्बत वाले है ना सब गाने या डांस रक्स करने को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। तो हमारी पुरानी तो नहीं, ट्रेडिशनल तिब्बतन डांस है ना, वो हर जगह हर शहर में और यूनिवर्सिटी में भी हर शाम को तकरीबन 8 बजे को डांस करते हैं हम, एक एक राउंड करके। यहाँ एक है आवाज सुनने वाले है ना, तो हम बहुत सब ऐसे करते हैं। अच्छा, आपकी जो म्यूजिक है अभी आपने सुनाया, चलो उसमें अभी जिद्दत आया होगा, अभी नौजवान नस्ल ने जदीद साउंड सिस्टम पे गाते होंगे, हमारे जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुराने जो हमारे बजाने वाले चीज है, वो तिब्बत में मौजूद है अभी भी? ये सबसे मशहूर है, उसको जमिया कहता है, दंग 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 दंग
और इसको ये है लिंबू, हम लिंबू कहता है लिंबू, लिंबू ये वाला है, लिंबू ये वाला है, ये चंग है, चंग ड्यों, ड्यों, ड्यों करते इधर ये है, होता है लेकिन कम है, कम है वो बांसुरी, बांसुरी कम है, कम है, कम है, सोना है, सोना है, सोना है, बड़ा वाले को कहते हैं ना, तो छोटा वाला भी है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे जो खूबसूरत मकामात है उनको, उनमें से झील आते हैं, झील, झील को हमारे जबान में छो बोलते हैं, छो है, छो है, छो बोलते हैं, अच्छा दरिया को हम ग्यामसो बोलते हैं, ग्यासो है हम, ग्यासो, अच्छा इसी तरह जानवरों में सबसे बड़े जो जानवर नहीं है हाथी, उसको हम लंगपोचो कहते हैं, लंगपोचो, लंगपोचो हाथी लचीर है, जो इलिफेंट लचीर है, लंगचिन, लंगचिन कहते हैं, लंगचिम्बो, चिम्बो का मतलब बड़ा है ना, बड़ा चिम्बो, बड़ा को कहते हैं आपकी जबान में। तो हमारे यहाँ हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, हमारी तारीख में तिब्बत का बड़ा जिक्र आते हैं, तो कहते हैं कि पुराने जमाने में बहुत कदीम तिब्बत में ये हुआ करता था कि लोग तिब्बत में रहते थे और गर्मियों में यहाँ पे आते थे, यहाँ पे चूंकि ये इलाका जरखेज था गंदम के लिए, बागबानी के लिए, तो लफ्ज बल्टी का मतलब ये नहीं कि जबान, जबान नहीं है, बल्टी का मतलब, लफ्ज बल का मतलब है नरम चीज, बल करते है ना, बल नरम चीज, यानी कि बल वो लू नहीं है, लू उससे जो निकलते है ना, लू से जो बल निकलते है उधर से निकलते हैं, बल यानी नरम चीज को, हसा चीज को जो है ना, हसा नरम चीज को बल कहते हैं, टी का मतलब है वहाँ पे रहने वाली, अच्छा यानी वहाँ के रहने, रहने वाले, अच्छा। तो यहाँ ये होता था कि लोग तिब्बत से गर्मियों में यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आता, अच्छा। था और यहाँ पे खेती बाड़ी करके गर्मियों के सीजन में कमा के कुछ करके फिर सर्दियों में वापस तिब्बत चले, अच्छा। जाते थे। तो ये लोग कहते हैं या कोई किताब में, किताब में है, किताब में है, बाकायदा हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे जो तारीखदान है उन्होंने जो लिखा है, मोहम्मद उदा, उदास, एक है मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ उदास, तारीख है बल्तिस्तान, एक मोहम्मद अब्बास काजमी साहब है, वो भी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, एक अभी इब्राहिम सनाई साहब है, कल मुझे उससे मिला था, वो बहुत बड़ा तारीखदान है। तो उन सारे लोगों के मुताबिक आपका एक बादशाह है खुलंग धर्मा, उसके कत्ल के बाद तिब्बत और बल्तिस्तान का ताल्लुक कट गया, कट गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे इस्लाम आया, ठीक है ना, 600-700-800 साल पहले इस्लाम के आने के बाद यहाँ पे इनके मुसलमानों की अपनी हुकूमत आई, उसके बाद तिब्बत के साथ हमारा ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता टूट गया, फिर ये कि आना जाना खत्म हो गया, तो वहाँ पे ग्लेशियर आया ना, ग्लेशियर है अभी, इसलिए रास्ते बंद हो गया, फिर भी कारोबारी करते हैं ना, जी जी जी, तिब्बत में आप लोग शायद नहीं जानते, तिब्बत में बहुत और ज्यादा, बहुत तो नहीं है, ज्यादा यही है, तो तिब्बती मुस्लिम है, उसके बुजुर्ग हैं तो कश्मीर से हैं, कश्मीर से है ना, कश्मीर से, तो उन लोगों को उर्दू भी आते हैं, कुछ कुछ को अरबी भी आते हैं, तो तिब्बत में भी मस्जिद भी है, मस्जिद एक शहर में दो या तीन मस्जिद है, तो लासा में ना, लासा के तो बीच वाला, इस शहर के बीच में तो एक बड़ा मस्जिद, एक बड़ा मस्जिद है, एक छोटा मस्जिद है, वो छोटा वाली है ना, तो वो तिब्बती मुस्लिम उन खुद ने कहा है, अच्छा, हाँ, बनाया है, मैंने एक अहू है ना, अपलोक अहू है ना, अहू से इंटरव्यू ले, उसने मुझसे पूछा, तो वहाँ एक उन तिब्बती मुस्लिम का एक सेंटर है, हाँ, इलाका है उन लोगों को। तो अभी तिब्बत में शादी के रसूमात किस तरह होते हैं, शादी को आपकी जबान में क्या कहते हैं, चंगसा, चंगसा, अच्छा हम बख्तून बोलते हैं, अच्छा तो हमारी तो ब्याह यानी कि शादी करना है, कोशन करते तो का मतलब है तकरीब, अच्छा रसूमात क्या क्या होते हैं वहाँ पे, तो एक आप लोगों को जानता है, एक है वो यूं है ना, ये निशान ये, इस ये अभी अगर हमारे उस खुद के घर में है ना, तो वो तकरीब मनाते हैं, तो हमारे दरवाजे के सामने ये एक बहुत बड़ा एक यही लिखता है, और दुल्हन जब दुल्हा के अक्षर आते हैं ना, तो हमारी इस कुर्सी पर भी एक बहुत बड़ा यूंगू लिखते हैं, और वो उस
दुल्हन उस पर बैठना है सबसे पहले, ये वो अंदर जाकर इस पर बैठता है। ये तो क्योंकि आप लोगों को यूं जानते हैं तो मैं पूछता है यूं का मतलब हमारे लिए तो ऑस्पिशियस, सब खुशी की बात आए ना, सब अच्छा है तो जो आलाए है इसका मतलब है, जैसे कहता है। तो आमतौर पर अगर अगर अपने अपने खुद के घर में मनाते हैं तो शायद छह दिन का शादी की वो तकरीब है, तकरीबात है। अगर लेकिन अब शहर में है ना, और उसको कहते हैं वेडिंग हाउस बहुत ज्यादा है ना, उसको बस एक या दो दिन है ही है, तो वो खाना है तो जीनी खाना भी है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल तिब्बत की तिब्बती खाना भी बहुत ज्यादा है। जो सुबह को है ना, इस शुरू करने का सबसे पहले वाला तो इसको खाना है, चावल के साथ इसको ठोक कहता है, ठुमा कहता है। चावल को क्या बोलते हैं? चावल के साथ एक है तो इसको ठुमा कहता है, इंग्लिश मुझे पता नहीं है। चावल को ब्रश बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, जय 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 ब्रश, लोगों ने ब्रश मुझे पता है क्यों ऐसा। हाँ यही है, तो बाहर है तो बस एक या दो दिन का है ये सब। अच्छा, शादी के किसी दिन ऐसा कोई म्यूजिकल प्रोग्राम भी होता है? पहले भी है ना, तो हम रिश्तेदार या दोस्त, हमारे पास खटाक है, खटाक ये एक बड़ा लंबा सफेद लिबास है, आपको शायद जानते हैं आप खटाक कहता है, वो सब लोगों को उन हमारे तो नए कपल को लगाते हैं, खटाक लगाते हैं के बाद पैसे देते हैं, पैसे एक कवर में लिखता है रखना ऐसे देते हैं। तो यहाँ हम लोग ना इन एक लाइन है ना बार 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 आते हैं, तो वहाँ है ट्रेडिशनल म्यूजिशियन, वो रुक नहीं सकता, बजाते हैं गाते हैं, यही तो ट्रेडिशनल ही है और नहीं है गाना। दूल्हे की तरफ से दुल्हन वालों को कोई जहेज महेज करना भी आपकी मर्जी है, नहीं है भी तो आपकी मर्जी है, कुछ भी नहीं। शादी एक दूसरे की रजामंदी से होते हैं या रजामंदी है? रजामंदी है, अगर आपका बॉयफ्रेंड ये ब्याह करने वाला है तो घर के ले जाओ, तो मेरे ख्याल में ठीक है, मैं शादी करना चाहती हूँ तो वालिदैन की मानना चाहती हूँ। बल्कि मैम इससे पहले मुझे पता नहीं कि आप लोगों इतना आप लोगों के बारे ज्यादा नहीं पहचानते हैं ना, यहाँ आकर आप लोगों को बोलते हैं, बल्कि बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छा अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को तो उसको नहीं जानता ये क्या लिखा हुआ है आपकी। मेरे ख्याल में हो तो बहुत ऐसे लोग बहुत कम है ना, तो मेरे ख्याल अभी नौजवान है ना, तो इसमें इसका सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बस दो तीन महीना का तो बहुत काफी है, दो महीना तो काफी है लिखने के लिए। अगर लिखने नहीं आती कुछ समझाओ ना, देखने में है, मैं जानती हूँ यही हमारी बल्कि स्क्रिप्टर है ये राइटिंग। आई होप मेरी दुआ करते हैं आप लोग जानना है, और ज्यादा बल्कि वालों को अपने खुद की मादर लैंग्वेज को जानना है, लिखना है तो बहुत अच्छे होगा, ये मेरी ख्वाहिश है आप लोगों के लिए। फिर भी और सब बहुत अच्छी है, मैं मुझे जैसा मैं अब मेरे खुद के अबाई शहर में ही हूँ, तो लोग भी अच्छे हैं, मंदिर भी अच्छे हैं। हाँ जी, नूरुद्दीन बाजी नदा निम्बित पजू ये रोमा शेर गहन कौन मेरी भी आपको से योज जो मेरी जुपी फ्रेन पजू कि अतिस कत और व्यास सो सकत हूँ वन जर वो गामा से लहमो जरत बोलने के हद तक तो बहुत अच्छा बल्कि बोलते हैं, लेकिन लिखने में बिल्कुल सब जीरो है, लिखने भी नहीं तो देखने भी समझ उनके समझ में नहीं आया ये क्या है। तो रजब भाई को थोड़ा सा समझ में आते हैं लेकिन मुझे नहीं आते। तो नरंग अमला सलूक ब्याह कोशिश ब्याह उसकी नतीजे इसका पूर्व ब्याह सब, क्योंकि यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में हमारे स्कूल में नहीं है, ये आपके तिब्बत में है, ये आप लोग खुशकिस्मत है कि वहाँ पे स्कूलों में लाजमी है कि लाजमी है, लाजमी है, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक स्कूल प्राइवेट स्कूल ऐसा है कि वहाँ पे बल्टी बोलेगा तो जुर्माना है, तो हमारे सब जगह जुर्मा है। अच्छा, सब जगह पर है जीनी है फिर तिब्बत जरूरी है, दो लैंग्वेज है यही है। तो अगर हाँ मैं जानती हूँ ये आप कह रही है जी, एक मुश्किल है ना, मुश्किलात है, लेकिन फिर भी छुट्टी है ना इस वक्त तो कोशिश करना चाहिए कम अज कम एक दो दिन। अपने तौर पे कहते हैं, अभी हमारे तिब्बत आर्ट्स काउंसिल है, तिब्बत बल्टिस्तान आर्ट्स काउंसिल,
तो ये कोशिश करें कि जो हमारा स्क्रिप्ट है उसका कोई क्लासेस चलाएं, जिस तरह अपना रजा गालिब साहब तो वो भी अगर 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 ज्यादा है तो मैं भी काम कर सकती हूं फ्री में। बहुत शुक्रिया, देखो बिजी बिजी में सर अगवाना। ये हमारी बहन नूरजीन मुरी जैसे जो की माओ हाँ सा भी कोशिश बत अगर पाजे दिहो सो नजर ना रहे तो बासे जो सीधा सीधी ने टेलीफोन जो सब जो आगवा ना बाजी खाना से जब कि अगर जो बारी ने मुरी ने चंगा अगर ताऊन वो सब जसना मां वहां तैयार आगवा ना हम हमारी तरफ से भी एक कोशिश है कि मुख्तलिफ जो एनजीओ से उनसे कोशिश करके नौजवानों को एंगेज करके हम ये स्क्रिप्ट सिखाए, जिस तरह रजा गालिब साहब ने भी एक दो किया था। इसके अलावा और भी है हमारे यहाँ पे बल्तिस्तान कल्चर फाउंडेशन है, तिब्बत बल्तिस्तान है, तो ये सारे तंजीमें हैं कल्चरल तंजीमें, ये अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं। तो होप उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जबान लोग सीखेंगे। तो मिसाल के तौर पर अभी मैं जो बोलता हूँ वो अगर लिख के आपको दिखाऊँ तो आप पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए अगर अल्फाबेट जानते हैं तो बहुत आसान, क्योंकि आप लोग सब अल्फाबेट बोलते हैं तो हम नहीं, बस एक ही आवाज, लेकिन आप लोगों को सब 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 अल्फाबेट है, एक वो आवाज है ना, ये सब जब बोलते हैं तो बहुत आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नावे खान शर्मा सुन सुन और इरंग आमे आज सर मो यरी सया आने के लिए वान नटिंग पो ना मेंडोक को याना कैसे मेंडोक को कहिए ता आया। तो जाते जाते बाजी खुदी में ताक से गयो बल्कि गजल लफ्ज सिंगिस मैं अपनी तरफ से आपको डेडिकेट कर रहा हूं। तो कोशिश करता हूं कि दो बन आपके नाम से करूं। गर गुनर गोला छोर मत गोसनियो में फार पुकु से चियो तुमिन तासनियो में युत पोस को रे थोग ना फासनियो में यो लार गार 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 गसे नियो में यो लार ताल 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 तसे नियो में यो लार गार 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 गसे नियो में। ये गजल के एक बंद आपके लिए, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आप यहाँ तशरीफ लाए, तो आइंदा भी आप तशरीफ लाते रहिए इंशाल्लाह, फिर आपसे तफसील से हम बात करेंगे और आपको विजिट भी कराएंगे बल्तिस्तान, क्योंकि अभी आपने सिर्फ स्कर्दू देखा है, स्कर्दू के भी कुछ इलाके देखे हैं, शिगर है, खपरू है, खरमंग है, तो वो सारे इलाके हैं, अभी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब आएंगे तो हम जरूर आपको विजिट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। Terima kasih.